उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अब बमुश्किल 3 महीने का वक्त बचा है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। सभी राजनीतिक दल जनसंपर्क में जुट गए हैं। इस बार यूपी चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा के अलावा कई छोटे राजनीतिक दल भी दम ठोकते नजर आएंगे। इसमें आम आदमी पार्टी, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के अलावा प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से 5 बार निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह और फिराजा भैया के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी भी शामिल है। मंगलवार को जनसेवा संकल्प यात्रा लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह औरैया पहुंचे। यहां पार्टी पदाधिकारियों ने जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने पूरे नगर में भ्रमण कर विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से समीक्षा बैठक की। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। राजा भैया ने कहा कि सक्रिय राजनीति और विधानसभा में मेरा 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद 30 नवंबर 2018 को पार्टी की स्थापना लखनऊ में हुई, जिसको पूरे प्रदेश की जनता ने समर्थन और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी क्षेत्र में उतरकर जनसंपर्क नहीं कर पाई थी। अब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश में जनसेवा संकल्प यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंच रही है। इसके जरिए पार्टी पदाधिकारी प्रदेश की जनता से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए सभी के बीच पहुंच रही हैं। रघुराज प्रताप सिंह ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि फिलहाल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का चिन्हित किया है। ये संख्या आगे बढ़ भी सकता है। राजा भैया ने साफ किया कि उन्होंने अन्य दलों के साथ गठबंधन करने का मन अभी नहीं बनाया है, यानी उनकी पार्टी अब अकेले चुनाव में उतरने वाली है।